तीनों पूरे अपने ग्रुप बना के आके उनपे ताबड़तोड़ अधवार गोली से एकदम भून दिए थे और उसके बाद ये ईटा से उनको। बिहार में कथित तौर पर सुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार ढोल पिटते हैं कि बिहार में पूर्णता सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन की सरकार के नुमाइंदे नेता पर ही हमला हो जाए तो इसे क्या कह सकते हैं। जब आम लोग भी अब बिहार में सुरक्षित नहीं है तो नेता को जब उन्हीं के घर में उन्हें गोली मार दिया जाए तो क्या कहा जा सकता है कि क्या ये सुशासन की सरकार है या दुशासन की सरकार है। ऐसा ही मामला पटना के दानापुर इलाके की सामने आई है। दानापुर में रविवार को अपराधियों ने सत्ताधारी जदयू नेता को गोलियों से भून डाला। अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान जदयू नेता को करीब 3 गोलियां मारी है। दानापुर में हुए इस मामले में घायल नेता मोहम्मद अरशद को सगुना मोड़ के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मोहम्मद अरशद दानापुर कोर्ट में वकील भी हैं और जदयू के मुस्लिम प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिलहाल घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं। बताया जाता है कि हमलावर 5 की तादाद में आए थे। गोली मारने के बाद जदयू नेता को ईंट और पत्थर से भी मारा गया। घर वालों ने इस मामले में 4 लोगों को पंचम विधान राय, संतू राय और विकी राय पर आरोप लगाया है। पहले भी घटना हुई थी जो उनके जदयू के कार्यालय नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक सचिव हुए हैं, ठीक है, प्रदेश सचिव। तो उनको वहाँ ऑफिस में अपने काम करते कुछ लोग थे, वहाँ बच्चे की झंझट में पिछला बार उन्होंने छा उसी के बाद घात लाके बोलो पंचम विधान राय, संतू राय, बिक्की राय, ये सब लोग पूरे अपने ग्रुप बना के आके उनपे ताबड़तोड़ अधवार गोली से एकदम भून दिए थे और उसके बाद ये ईटा से उनको आज की घटना है कि अपना मॉर्निंग में यहाँ शादी थी, अपना खैर खैरियत लेने आए होंगे यहाँ, उसके बाद वहाँ घात लगा उनको ताबड़तोड़ गोली लगी है, 3-4 गोली उनको लगी है, उनके बयान में भी शायद है। और इनके घर में गए हैं तो वो बचे हैं, उनके साथ कोई आदमी है, सिंगल टहल रहे थे वो। काचे कहाँ कहाँ गोली लगी है? हैंड में, हाथ में है, चेस्ट के पास है, पेट में भी है, बाकी तो वो खुद बयान दिए ही है। अपना परिचय? मेरा नाम मोहम्मद इमरान हुसैन हुआ। क्या उनका पुत्र हुआ? जी उनके पुत्र हुआ।